गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट उदाहरण अलंकार। जिस काव्य पंक्ति में एक बात कहकर दूसरी बात उदाहरण के रूप में कही जाए और वाचक शब्दों से जोर दी जाए ठीक है, उसे उदाहरण अलंकार कहते हैं। उदाहरण अलंकार में क्या है, पहले एक बात कही जाएगी फिर दूसरी उदाहरण के रूप में दी जाएगी और जो जैसे और मिस इन वाचक शब्दों से जोड़ दी जाएगी, वहां पर होगा उदाहरण अलंकार ठीक है। जैसे नीति पे फीती लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। दूसरा होगा सबे सहायक सबल के, निबल न कोई सहाय, पवन जगावत ही देख बुझाए। उदाहरण अलंकार में क्या होगा, एक तो दो काव्य पंक्तियां होगी ठीक है, क्योंकि एक काव्य पंक्ति में बात पूरी नहीं होगी। बाकी अलंकारों में क्या है, जरूरी नहीं कि दो काव्य पंक्तियां ही हो, एक काव्य पंक्ति से भी हमें पता चल जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा ठीक है। उदाहरण अलंकार में क्या है, पहले एक बात कही जाएगी फिर उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाएगी और जैसे जो मिस इन वाचक शब्दों से उसको जोड़ दिया जाएगा। जैसे पहली बात कही गई है नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, मतलब अच्छी बात होने पर भी ठीक है वो बात फीकी लगती है जो बिना अवसर के कही जाए ठीक है। ये बात पहले कही गई, फिर उदाहरण क्या दिया गया, जैसे बर्नत युद्ध में जहां युद्ध का वर्णन हो रहा हो वहां पर रस और श्रृंगार की बातें अच्छी नहीं लगती ठीक है। पहली बात क्या के दूसरा उसका उदाहरण दिया गया है। ऐसे ही पहली बात कही गई है कि सभी जो सहायक होते हैं वो सबल के मतलब शक्तिशाली लोगों के ही सब सहायक होते हैं, निर्बल का कोई सहायक नहीं होता है। फिर दूसरी बात उदाहरण के रूप में कही गई है कि पवन जगावत आग जो, जैसे हवा जो है वो आग को और भड़का देती है क्योंकि आग को शक्तिशाली माना गया है, तो जैसे ही पवन चलती है तो शक्तिशाली चीज क्या होती है वो और भड़क जाती है और यही पवन
आग को तो भड़काती है और दीपक को बुझा देती है। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला? कोई दिक्कत किसी को नहीं? चल रही हूँ आगे। दूसरा अपना लास्ट अलंकार है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार, ठीक है। जिस काव्य पंक्ति में विरोध का आभास हो, विरोध का आभास हो, आभास हो परंतु अर्थ स्पष्ट होते ही विरोध शांत हो जाए, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। दूसरा है मीठी लगे अखियान लुनाई। ठीक है, अब इन काव्य पंक्तियों को पढ़कर हमें विरोध का आभास होता है। कैसे होता है कि जो जो बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े मतलब क्या होता है? डूबना। जैसे जैसे वो काले रंग में डूबता जाता है वैसे वैसे वो उजला होता जाता है। विरोध लग रहा है ना भाई, काले रंग में डूबने पर कोई उजला कैसे होगा, सफेद कैसे होगा? विरोध की प्रतीति हो रही है यहाँ पर, विरोध का आभास हो रहा है सबको, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है क्या? अरे ऐसे हो सकता है क्या भाई, काले रंग में हम डूबेंगे तो हम सफेद हो जाएंगे, उज्जवल हो जाएंगे, उजले हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? काव्य पंक्ति का ध्यान रखना है। तुम्हें विरोध अर्थ स्पष्ट होगा या नहीं होगा वो दूसरी बात है, जरूरी नहीं काव्य पंक्ति पढ़कर तुम्हें इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है ना, हमें मेन चीज क्या ध्यान रखनी है कि काव्य पंक्ति में विरोध का आभास हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो पहली पंक्ति को हम पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पर विरोध का आभास हो रहा है। वैसे ही मीठी लगे अखियान लुनाई, लुनाई मतलब क्या होता है? नमक। मारवाड़ी में नमक को लून भी कहते हैं। तो ये कह रहे कि आंखों की जो आंख जो है, ठीक है, मीठी लगे अखिल, आंखों की जो मिठास है वो नमक, मतलब नमक जैसी खारी कैसे लग सकती है? ठीक है, मीठी लगे अखियान लुनाई, आंखों की जो मतलब नमक है या मिठास है, हम ये ऐसे भी कह सकते हैं कि आंखों का नमक मीठा कैसे लग सकता है, या आंखों की जो मीठापन है, मधुरता है, जो भी है वो नमक मतलब खारी कैसे लग सकती है। तो इन पंक्तियों में हमें क्या हो रहा है? विरोध का आभास हो रहा है। कोई दिक्कत किसी को किसी भी अलंकार में? अब बताओ फिर आगे चलूं जल्दी से। मैम जो भी आया है तो वो भी तो हो सकता है उदाहरण अलंकार, जैसे इसमें जो ये जो सकता है दो दो बार आया है, पुनरुक्ति तो होगा ही होगा यहाँ पर। ठीक है ना, जो लेकिन हमें यहाँ पर पहले जो हमारे कोर्स में जो अलंकार है वो ध्यान रखना है कि उनमें से तो कोई नहीं है। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में अलंकार है वो ही आएंगे तुम्हारे एग्जाम में, दूसरा तीसरा आएगा नहीं। तो पहले काव्य पंक्ति को पढ़कर हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारे सिलेबस में है उनमें से अलंकार है या नहीं है। ठीक है, उनमें से ही होगा। ये तो क्या है? एडिंग है अलंकार, ये तो ऐड कर, इसमें और है,
इसके अलावा एक्स्ट्रा ये भी है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। पहले हमें यहाँ पर विरोध देखना है कि विरोध इसमें है या नहीं, या कोई दूसरा अलंकार इसमें है या नहीं। आई बात समझ में मैम? इसमें जो भी तो आया है, जो के लिए भी आता है। एक बार तो आया है जो, तो एक बार तो आना था, बार बार थोड़ी आना था जो। उदाहरण अलंकार में जो एक बार ही तो आना था, दो बार थोड़ी आना था डैश लगा के, ऐसे तो मैंने बोला ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर तो जो जो आया है, त्यो त्यो आया है, तो उदाहरण अलंकार में एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, और एक बात और बताऊं, जो जैसे मिस, ये उपमावाचक भी शब्द है, ये भी ध्यान रखना, ये उपमा अलंकार में भी प्रयोग किए जाते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर उदाहरण अलंकार कैसे पहचानोगे, कि यहाँ पर उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही गई है या नहीं कही गई है, ये बात भी ध्यान रखने की है। ठीक है, जो जैसे और मिस ये उपमा अलंकार के भी वाचक शब्द है, उपमावाचक शब्द ही कहलाते हैं, लेकिन उपमा अलंकार आपकी अलग चीज है। वहां पर उपमेय, उपमान, ठीक है, साधारण धर्म, वाचक शब्द, ये चारों चीजें होंगी। सिर्फ पहचानना क्या है उदाहरण अलंकार, उपमा अलंकार भी दो पंक्तियों में हो सकता है, उदाहरण अलंकार तो होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन आपको पहचानना होगा कि ये बात कैसे कही जा रही है। पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे, पहले तो ये बताओ। Yes, ma'am. पहचानोगे ना, क्योंकि इजीली पहचाना जाएगा आराम से। उदाहरण अलंकार तो बहुत इजीली पहचाना जाएगा कि हाँ यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निविदा हमें करनी है, वो देखिए, ये निविदा का मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्या है, कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर राजस्थान की ओर से आठवीं बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए उत्तर पुस्तिका और अन्य सामग्री सप्लाई करने हेतु हमें एक निविदा का प्रारूप तैयार करना है। ठीक है, इसमें अब हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, बिल्कुल सेंटर में लिखेंगे हम जो हमारे पास विभाग का नाम आया है। तो क्वेश्चन में से बताओ कि विभाग कौन सा नाम है हमारे पास, क्वेश्चन में कोई विभाग दे रखा है, दे रखा है क्या, जल्दी बताओ। दे रखा है, ये परीक्षण संस्था, बिल्कुल दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक ये सारा विभाग ही तो है, संस्थान है या विभाग है, इसको ये कहें, ये विभाग ही है। तो हम इसको सेंटर में लिखेंगे, कार्यालय, स्टार्टिंग कैसे होगी, कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ध्यान रखना ये हमारा बीचों बीच पेज के सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, जिला कौन सा है, उदयपुर, अब उसको नीचे लिखेंगे उदयपुर, राजस्थान को हम लिख देंगे ब्रैकेट में। ठीक है, ये हमारा बीच में, हमें क्वेश्चन में हमारे पास विभाग संस्थान जो भी है वो दिया हुआ होगा, तो वो हमें बिल्कुल जब हम निविदा स्टार्ट करेंगे उसको बीचों बीच लिखेंगे। जिला दे रखा है तो इसमें लिखेंगे, नहीं दे रखा है तो कोई सा भी लिखेंगे, राजस्थान हर जगह लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके हम इस साइड लिखेंगे निविदा क्रमांक, ठीक है, कोई भी चार डिजिट लिख सकते हो। इस साइड हम लिखेंगे दिनांक, ठीक है, 5 अक्टूबर 2021, डेट हम ऐसे लिखेंगे, अक्टूबर जो मंथ है, हमारा महीना है, उसका नाम ही हमें लिखना है, चाहे कोई सा भी हो। ठीक है,
अब इसके हम सेंटर में, ये हमारा यहाँ पर हो गया, अब इसके नीचे इस लाइन को छोड़कर इसके नीचे वाली लाइन में लिखेंगे निविदा सूचना। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नो मैम। ठीक है, चलते आगे। अब हमें, मैं लिखूंगी दूसरे पेज से, अब जो मैं लिखूंगी वो आपको यहीं पर इस लाइन को छोड़ के इसके नीचे वाली लाइन में एक लाइन छोड़ के, एक निविदा सूचना लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देना और उस नेक्स्ट लाइन से हम वापस यहीं से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो स्टार्ट हम यहां से करेंगे, उदयपुर जिला अंतर्गत आठवीं बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका एवं अन्य सामग्री सप्लाई करने हेतु प्रतिष्ठित फर्मों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र स्थानीय कार्यालय से निर्धारित शुल्क पर कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकता है। निविदाएं निविदाएं 25 अक्टूबर 2021 को दोपहर 2 बजे तक प्राप्त की जाएंगी और शाम 4 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएंगी। ठीक है, इस ये लिखते समय आपको क्या ध्यान रखना है, जो मैंने फर्स्ट लाइन लिखी उदयपुर जिला अंतर्गत आठवीं बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका एवं अन्य सामग्री सप्लाई करने हेतु, ये आपके क्वेश्चन में दे रखी है। यस मैम, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक आपकी लाइन चेंज होगी, बदलेगी, जो भी चीज मंगवाई जाएगी जिस जिले के अंतर्गत मंगवाई जाएगी वो आपको यहाँ पर लिखना है। आई बात समझ में? उसके बाद आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम, हर निविदा में सेम जाएगा।
ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। डेट आपको सिर्फ इसमें फिर चेंज क्या करना है, डेट आपको चेंज करनी है। मैंने यहाँ पर 25 अक्टूबर लिखा, ऊपर हमने लिखा 5 अक्टूबर, ठीक है, जो स्टार्टिंग का फॉर्मेट था उसमें हमने 5 अक्टूबर लिखा। तो 5 अक्टूबर को तो क्या हुआ, हमने निविदा जारी कर दी, मतलब निविदा स्टार्ट कर दिया लेना, लोगों ने स्टार्ट कर दिया लेना, ठीक है। वो जो निविदाएं है हमें 25 अक्टूबर तक सबकी मिल जानी चाहिए, हमने उसको 20-25 दिन 15 दिन 10 दिन एक्स्ट्रा दे दिए। आप 10 दिन एक्स्ट्रा दे सकते हो, यानी कि 5 अगर अक्टूबर वहां पर है, 10 दिन के बाद की डेट लिख सकते हो, 15 दिन के बाद की डेट लिख सकते हो, 25 दिन के बाद की डेट लिख सकते हो, महीने भर की डेट लिख सकते हो, ठीक है। डेट आपको नीचे चेंज करनी है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? निविदा होती क्या है? निविदा एक टेंडर होती है, जो टेंडर जानते हो, जो गैर सरकारी और सरकारी कार्यालय जो होते हैं वो निकालते हैं अपना कोई भी काम करवाने के लिए, ठीक है। निविदा एक बिजली फिटिंग की भी हो सकती है कि मुझे हमें हमारे इस कार्यालय में पूरी बिजली की फिटिंग चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग चाहिए, फर्नीचर ठीक करवाने की हो सकती है, कुछ मंगवाने की हो सकती है। टेंडर निकाला जाता है जिसका मतलब जिसकी सारे जिसका टेंडर मतलब जो हमें निविदा भरता है उसका फॉर्म वो हमारी सारी शर्तें मान लेता है, उसका हमें लगता है वो उसमें कोई लॉटरी सिस्टम होता है, वो निकाला जाता है। जिस उपस्थित निविदादाताओं मतलब जितनों ने भी निविदा दी है उनके सामने ही खोला जाता है ताकि कोई पक्षपात का कोई झमेला ना हो, ठीक है। तो ये गैर सरकारी और सरकारी दोनों निकालते हैं, मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों निकालते हैं निविदा। फिर इसमें क्या होता है, वो अपनी सारी सूचनाएं दे देंगे कि इतने लाख तक का आपको चीजें मिलेगी, इतनी आपकी धरोहर राशि के रूप में रखी जाएगी। यदि आपने कार्य सही नहीं किया, ठीक है, निविदा शर्तों के अनुसार यदि आपने कार्य नहीं किया तो आपकी वो जो धरोहर राशि है वो जब्त कर ली जाती है, वो उनके पास रख ली जाती है ताकि उनका नुकसान की भरपाई हो सके, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? नो मैम। चलिए आगे चलते हैं। आप इतना हमारा हो गया, इसके बाद हम लिखेंगे, इसी के नीचे लिखेंगे। अब हमें एक टेबल बनानी है, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले पॉइंट आएगा क्रम संख्या, ठीक है। दूसरा आएगा कार्य विवरण, तीसरा आएगा अनुमानित राशि, चौथा आएगा धरोहर राशि, पांचवा आएगा निविदा पत्र शुल्क, ठीक है। चौथा आएगा, पांचों के बाद में नेक्स्ट आएगा आपूर्ति समय, ठीक है। ना कोई काटा पीटी होनी चाहिए। क्योंकि जो ये जो हम सार्वजनिक सूचना है, एक तरीके से सार्वजनिक सूचना है, इसमें जब हम ये निकालते हैं अखबारों में निकाली जाती है ये, ठीक है ना, तो इनमें किसी भी प्रकार की किसी भी टाइप की कोई भी कट, ठीक है, नहीं लगा होना चाहिए, गलत नहीं लिखा होना चाहिए। अब क्रम संख्या हमारे पास एक, पहले हमसे क्या मंगाई गई है, उत्तर पुस्तिका, ठीक है। अब उत्तर पुस्तिका के साथ साथ अन्य सामग्री क्या आ जाती है हमारे बोर्ड में, और क्या क्या चीजें काम आती है, जैसे नक्शे काम आते हैं, ठीक है, ग्राफ पेपर काम आते हैं,
ये चीजें हमारे काम आती है। मैंने ऊपर की अनुमानित राशि लिख ली 5 लाख, आप इसको डिजिट में भी लिख सकते हो, 0-0 लगा के भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। नक्शों की मैंने लिख ली 50,000, इसकी लिख ली मैंने 10,000, ठीक है। अब इसका मैंने लिखा 5 लाख में से मैंने 50,000 धरोहर राशि रख ली, 50,000 में से मैंने 5,000 रख लिया और यहाँ पर मैंने 1,000 लिख लिया। ध्यान ये रखना यहाँ पर कि यदि तुम 1,000,00,000 हिंदी में लिखते हो तो सारे आपके हिंदी में आने चाहिए, संख्या लिखते हो तो सारी संख्या ही आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब इसको देखो समझो, कार्य का विवरण उन्होंने हमें दे दिया कि हमको उनसे क्या क्या मंगवाना है, ठीक है। उत्तर पुस्तिका आगे आपको थोड़ा सा दिमाग खुद को भी लगाना पड़ेगा कि हाँ भाई और चीजें क्या काम आती है, ठीक है। अनुमानित राशि, अनुमानित राशि मतलब इतने पैसे इस जो निविदा जिसकी खुलेगी, जिसके नाम से खुलेगी, उसको इतने पैसे मिलेंगे। अनुमानित मतलब लगभग इतने पैसे उसको मिलेंगे, ठीक है। धरोहर राशि, ये हमने सिक्योरिटी जो अमाउंट होता है वो अपने पास रख लिया। यदि काम हमारे नियमानुसार नहीं हुआ, हमारी निविदा शर्तों के अनुसार नहीं हुआ, तो हम ये सारे पैसे अपने पास रख लेंगे, ना तो फिर उसको अनुमानित राशि मिलेगी, ना जो उसकी धरोहर राशि हमने रखी है वो मिलेगी, ठीक है। निविदा शुल्क 100 रुपए का ही होगा, इसमें आप 100 ही लिखोगे। आपूर्ति समय आप 1 महीना 2 महीना 15 दिन 20 दिन 25 दिन अपने अनुसार दे सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 2 महीना, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? एक बात ये भी ध्यान रखना कि यदि अनुमानित राशि हम लाख में लिख रहे हैं तो हजारों में उसके धरोहर राशि रखेंगे, ठीक है। अगर 1,000 में हम अनुमानित राशि रख रहे हैं तो फिर हम सैकड़ों में रखेंगे, बस 1,000 से ज्यादा फिर हम नहीं रख सकते अपने पास। जैसे 10,000, अगर 10,000 रखी तो हमें 1,000 ही रखना है। 50,000 का हमने हिसाब लगा लिया कि भाई हाँ 5,000 हमने इसका 10% अपने पास रख लिया, ठीक है। करोड़ों में अगर आप अनुमानित राशि देते हो तो लाखों में रखोगे धरोहर राशि, ठीक है। और ये चीजें आपकी मैंने आपको बताई दी है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? ठीक है। अब आती है शर्तें, किसके नीचे हम लिखेंगे शर्तें, फर्स्ट शर्त। शर्तें भी सेम जाएंगी, हर निविदा में शर्तें सेम जाएंगी। निविदा निरस्त या स्वीकृत करने का अधिकार अधो हस्ताक्षर करता के पास सुरक्षित रहेगा, ठीक है। दूसरी, निविदा शर्तों के अनुसार कार्य न होने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। तीसरा होगा,
किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र उदयपुर होगा। तीसरी वाली शर्त में बस ये हो सकता है कि समस्त विवादों की स्थिति में वो जाएगा न्यायिक क्षेत्र उदयपुर होगा। ठीक है, मतलब मान लो कि निविदा भरने वाले में जिसके नाम निविदा खुली है और जिसने निविदा निकाली है, उन दोनों में किसी भी चीज को लेकर विवाद हो गया, झगड़ा हो गया पैसों के मामले में और किसी चीज के मामले में, तो जो न्यायालय क्षेत्र होगा जहां पर इनका न्याय होगा वो जो जिला दे रखा है वो ही आएगा। ठीक है, जो हमारे पास जिला आया है हम वो जिला यहाँ पर डाल देंगे और बाकी आपकी तीनों सशर्तें सेम जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नो मैम। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको बस ये याद करना है और कुछ भी नहीं है। शर्तें भी आपको याद करनी पड़ेगी, जो ऊपर बताया वो भी आपको याद करनी पड़ेगी। ये भी ध्यान रखना जो ये आपके ये क्रम संख्या दे रखी है, ये सारी ये जो पॉइंट्स है ऊपर वाले, ठीक है ना, ये बिल्कुल ऐसे सीरियल अकॉर्डिंग आने चाहिए, आगे पीछे नहीं। जैसे मान लो तुमने धरोहर राशि अनुमानित राशि को भी चेंज कर दिया तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, ये जो सारे पॉइंट ऊपर वाले हैं वो आपके सेम जाएंगे, ये ध्यान रखना। साफ सफाई से करना, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नीचे सिर्फ अब हम यहाँ पर इस साइड यहाँ पर ये थोड़ा सा पर यहाँ पर आ रहा है तो मैं इधर लिख देती हूँ, हस्ताक्षर नीचे लिख देंगे, बस फिर खत्म कर देंगे इसको, ये आपकी निविदा पूरी होगी। तुम्हारी कोई दूसरी क्लास है क्या अभी? नो मैम। कब होगी दूसरी क्लास? लास्ट ही मिल तो 1:35 सबकी 1:35 पे होगी ना? यस मैम। हमारी 2:30 बजे। चलो विज्ञप्ति और पढ़ लेते हैं एक बार। विज्ञप्ति जो मैंने ऑफलाइन में करवा दिया वो ऑनलाइन भी करवा रही हूँ। विज्ञप्ति का क्वेश्चन लिख लू मैं, ये बहुत छोटी सी अभी समझ में आ जाएगी ना ये भी आपको। देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा मैम साइंस वालों की क्लास में अभी हम 12:30 बजे तो सुनो, ऑफलाइन में जिनकी है वो तो तुम लोगों को तो समझ में आई गई है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं आ रहे वो समझ लेंगे, है ना? ठीक है, जाना चाहो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। समझा देती हूँ ताकि जितना ऑफलाइन में करवा दे उतना अपना आज तक यहाँ पर हो जाए, यहाँ तक यहाँ भी हो जाए। अजमेर द्वारा वरिष्ठ अध्यापक वित्तीय श्रेणी परीक्षा के लिए तिथि में परिवर्तन की विज्ञप्ति तैयार कीजिए। ठीक है, अब इसमें भी क्या है हमारे साथ, विभाग हमें दे रखा है। ठीक है, कौन सा विभाग है इसमें? राजस्थान लोक सेवा आयोग। इसको भी हम बिल्कुल सेंटर में लिखेंगे। ठीक है, मेरा यहाँ पर सेंटर में नहीं है लेकिन तुम लोगों को सेंटर में लिखना है। फिर नीचे लिख दिया हमने अजमेर, राजस्थान। ठीक है,
राजस्थान सरकार लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ना भी लिखो तो भी चलेगा, लिखोगे तो भी चलेगा। एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट में लिख देती हूँ, बीचों बीच ही लिख देती हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, जिला आपका है अजमेर। ठीक है, अब जैसे निविदा क्रमांक लिखा था वैसे ही हम इधर लिखेंगे विज्ञप्ति क्रमांक। इधर लिख देंगे दिनांक, सेम वैसे ही है। फिर नीचे लिख देंगे विज्ञप्ति, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? आ गया ना समझ में? जल्दी बोलो। ठीक है, yes, अब हम वापस यहीं से स्टार्ट करेंगे, है ना, इसी के नीचे से स्टार्ट करेंगे। मैं ये दूसरा लेती हूँ, आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक श्रेणी, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु ली जाने वाली परीक्षा परीक्षा एक मिनट दिनांक लिखेंगे पहले, ली जाने वाली परीक्षा दिनांक 2021 के स्थान पर एक नवंबर 2021 को आयोजित होंगी। ठीक है, और बाकी परीक्षा केंद्र व अन्य सूचनाएं, परीक्षा केंद्र व अन्य सूचनाएं यथावत रहेंगे। बस तुम्हारी विज्ञप्ति हो गई। ठीक है, इसमें क्या है विज्ञप्ति समझ में आ गए तुम लोगों को कि भाई उसकी परीक्षा जो होने वाली है उसकी तिथि में उसकी डेट में परिवर्तन करने के लिए पहले एक नोटिस निकाला जा रहा है ताकि सब तक ये सूचना पहुंच जाए। ठीक है, इसमें इन्होंने दे दिया कि बस वही है सब कुछ,
कि आयोग द्वारा, कौन सा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी की परीक्षा ली जाने वाली थी, वो माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु ली जाती है, ठीक है। तो वो परीक्षा इस दिनांक के स्थान पर इस दिनांक को होगी। और जो बाकी जो सूचनाएं हैं, जैसे मान लो परीक्षा केंद्र जिसको जो भी सेंटर मिला है, वो सारी सूचनाएं, टाइम टेबल से संबंधित जो सूचनाएं हैं, वो सारी जैसी है वैसी ही रहेंगी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, ठीक है। ये विज्ञप्ति का नोटिस हमने निकाल दिया और हस्ताक्षर कर गया, एबस है कर दिए। कोई दिक्कत किसी को इसमें? अब इतनी ही विज्ञप्ति सिर्फ 2-3 लाइनों की ही होती है, ज्यादा बहुत बड़ी चढ़ी बहुत बड़ी नहीं होती है। जितना हमें बताया गया क्वेश्चन में दिया गया, बस वो हमें 2 लाइनों में खत्म करना है, 2 लाइन में या 3 लाइन में, ठीक है। तो जितना अपना कोर्स हो गया है, जितने चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, सिलेबस डाल दिया है क्लास के अंदर, सारे बच्चे लर्न करना स्टार्ट कर देना। 18 तारीख बहुत दूर नहीं है, 50% सिलेबस है, अच्छे से याद करना। दूसरी जो बुक अपनी वितान, उसमें भी एक ही चैप्टर दिया है सिर्फ, सिल्वर रेडिंग, उसको भी अच्छे से पढ़ना, पीछे के क्वेश्चन आंसर्स, बड़े क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है ना। तो सिलेबस का ध्यान रखना, नंबर सबके अच्छे आने चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बाय सबको, बाय मैम।